हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र लेकर के आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो कौन से प्लांट पे मैं इसका यूज करूँगी, वैसे तो हर प्लांट पे हम इसका यूज कर सकते हैं, उसी टॉपिक पे बात करूँगी और जो भी टिप्स है आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है अगर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए करिए। अगर आप लोग न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करिए, उससे आपका कुछ मतलब नुकसान नहीं होगा, फ्री में होता है। सब्सक्राइब का बटन जो होता है उसको आपको सिर्फ प्रेस बस करना होता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करिएगा। और आपको इसी तरह से जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है गार्डनिंग से टिप्स, जो भी रिलेटेड जो भी टिप्स होते हैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कलंचों के प्लांट पे। कलंचों के प्लांट बहुत ही सुंदर होते हैं, विंटर के बहुत अच्छे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो इन्हीं पे आज हम बात करने वाले हैं कि इनको फ्लावरिंग के लिए हमको कैसे तैयार करना है। अब देखिए, ग्रोथ तो हो रही है लगभग। इस बार मैंने बहुत ज़्यादा कलंचों नहीं लगाए क्योंकि उतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी मेरे गार्डन में और मैंने थोड़े ही लगाए, तो उसके लिए अभी तो फिलहाल। लास्ट ईयर मेरे पास बहुत अच्छे प्लांट थे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मैंने प्लांट लगा कर रखे हुए थे, लेकिन इस बार मन नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा प्लांट लगा लेने से फिर वही होता है, हम केयर कर नहीं पाते। फिर भी मैं हर प्लांट की केयर करती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा कोई प्लांट ख़राब होता है या फिर कोई प्लांट की मैं देखभाल नहीं अच्छे से कर पाती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी ज़्यादा मेहनत लगती है और इतनी ज़्यादा स्पेस भी ना हो तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट का यूज़ जो है गार्डन में बहुत अच्छा होता है। आप इसको अगर अपने प्लांट में देते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और साथ में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो थोड़ी सी बोन मिल, थोड़ा सा बोन मिल भी मैं इसमें मिलाऊंगी और आप चाहे तो उसी बस को दे सकते हैं, क्योंकि जो ये फर्टिलाइज़र होता है ना, मतलब ये कलंचों के प्लांट होते हैं, इनके लिए बोन मिल और नीम की खली बहुत अच्छा काम करता है, इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, इनकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए और इनकी जो थिकनेस होती है, इनमें जो चमक होती है, ये सब चीज़ें इससे बहुत अच्छी निकल करके आती हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लूँगी ऑर्गेनिक पोटास, ये देखिए, ये लगभग दो तीन तीन चार चम्मच के लगभग ले लूँगी क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पास प्लांट है और भी जो बचे गए मिक्सचर में दूसरे प्लांट पर भी इसको डाल सकते हैं। जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट हैं, आप विंटर के सभी प्लांट पर इसको डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर एक दो मुट्ठी नीम की खली लेंगे। नीम की खली बहुत ही अच्छा होता है फर्टिलाइज़र, इसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ में एक फंगीसाइड की तरह भी काम करता है जो आपके प्लांट को फंगस नहीं लगने देता है। तो इसका यूज भी आप अपने गार्डन में ज़रूर किया करिए। तो ये मैंने यहाँ पे चार फर्टिलाइज़र ले लिए, बोन मिल, सिंगल सुपर फास्फेट। वैसे बोन मिल में भी कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, सिंगल सुपर फास्फेट में भी कैल्शियम और ये कैल्शियम होता है और फॉस्फोरस होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें भी। और ये थोड़ा सा देखिए, ये भी कार्बन की मात्रा भी थोड़ा सा हम डाल देंगे जिससे हमारे प्लांट को कार्बन भी मिले, जिससे हमारे जो प्लांट हैं वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर सक करे, अच्छे से ले पाए। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हर प्लांट में इसका जो मिक्सचर है, हर प्लांट में आधा आधा चम्मच हम डाल देंगे। तो ये देखिए, ये फर्टिलाइज़र हमने इस तरह से तैयार कर लिया। अब इतनी इतनी मात्रा लेनी है आपको, बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है कि प्लांट को फिर नुकसान कर दे तो फिर दिक्कत हो जाए। तो ये आधा आधा चम्मच ही आपको लेना है ये सारा फर्टिलाइज़र। अब इस तरह से गमले के किनारे किनारे, क्योंकि जो हमारे गमले के प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो गमले के किनारे किनारे ही होती हैं, तो डायरेक्ट आपको स्टेम के पास नहीं डालना होता है ये फर्टिलाइज़र, कोई सा भी फर्टिलाइज़र हो। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा मिट्टी को इस तरह से ऊपर नीचे कर दीजिए ताकि अच्छे से मिट्टी में मिक्स हो जाए, है ना। ये चीज़ें भी ज़रूरी होती है करनी। थोड़ा सा देखिए, इधर का कोना बच गया तो हम हल्का सा और ले लेंगे और आधा आधा चम्मच ले करके, बड़ा पॉट है आपका जैसे 8 इंच 10 इंच के, मैं तो 5 इंच 6 इंच में लगाया हुआ है तो मैंने कम लिया है। आप जैसे 10 इंच के पॉट में अगर डालते हैं तो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं और इस तरह से आपके प्लांट थोड़े ही दिन में फ्लावरिंग पे आ जाएंगे, बहुत अच्छे से इनमें फूल आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि ग्रोथ करने के बाद थोड़ा सा फर्टिलाइज़र हमको एक बार इनको देना होता है। और एक फर्टिलाइज़र और है जिससे फूल बहुत अच्छे आते हैं, आप उसका भी यूज हर प्लांट पे कर सकते हैं, वो है रोज फूड मिक्स मिलता है ना जो मार्केट में, आप उसका यूज भी कर सकते हैं अगर अवेलेबल हो आपके पास या है आपके पास तो आप उसको भी कलंचों में भी डाल सकते हैं, उससे आपके कलंचों में भी अच्छे फूल आएंगे, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये देखिए, वैसे ये फर्टिलाइज़र भी काफ़ी अच्छा है, मैंने लास्ट ईयर भी इसको डाला हुआ था, मेरे प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। तो इस तरह से ये देखिए, इसमें भी हमने डाल दिया।
अभी हमारा सबसे बड़ा प्लांट है, ये मेरा लास्ट ईयर का प्लांट है। इसी की कटिंग से मैंने काफ़ी सारे प्लांट भी तैयार किए। और ये देखिए, तो इसमें हम एक चम्मच इधर से किनारे किनारे से करते हुए डाल देंगे। धीरे धीरे जब भी प्लांट पे मिलता रहेगा, घुलता रहेगा, तो हमारे प्लांट को ये मिलता रहेगा अच्छे से। तो इसी तरह से आप भी अपने प्लांट में अभी अगर फर्टिलाइजर दे देते हैं थोड़ा थोड़ा, तो प्लांट की ग्रोथ भी और अच्छी हो जाएगी और साथ में आपके प्लांट फ्लावरिंग पे भी आ जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से। पानी का अगर बताऊं तो पानी, अगर मिट्टी सूखी है तो आप तुरंत पानी दे दीजिए, और मिट्टी गीली है, मैंने सुबह सुबह वाटरिंग कर दी थी, ध्यान नहीं था मुझे, तो सुबह ही पानी मैंने आज डाला था, तो आज पानी मैं नहीं दूंगी। मैं जब भी पानी, मतलब कल या परसों तक में जब सूख जाएगा तो फिर इसमें डाल दूंगी पानी। तो अभी तुरंत पानी अब मैं नहीं दे रही हूँ। आप लोगों की मिट्टी अगर ड्राई होगी ना, तो आप पानी तुरंत दे दीजिएगा फर्टिलाइजर देने के बाद। देखिए इसमें इतने पत्ते हैं कि डालते नहीं बन रहा है, एक हाथ से पत्तों को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। इसमें अभी ये तो मुझे पता नहीं, शायद सिंगल पेटल के ही फूल आएंगे, पर इसकी जो पत्तियां हैं बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। नीचे कुछ पत्ते हटा देते हैं ताकि जो कि मिट्टी में दबा हुआ है ना, फंगस वगैरह ना लगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने डाल दिया इतने प्लांट में, और भी मतलब और बचे हुए हैं तो सब मैं इसी तरह से डालती जाऊंगी। तो ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में फूल एकदम भर भर के फूल आए, तो यही फर्टिलाइजर आप भी दीजिए अपने गमलों में, और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये